तुम अंदर नहीं जा सकते। हटो, मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ। नहीं, उसे अंदर आने दो। ये पेड़ सर का ऑर्डर है। इधर पेड़ के नहीं, सिर्फ खुदा के ऑर्डर चलते हैं। ये खुदा का घर है। खुश आमदीद अजीज। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि तुम बच्चों को देखने आए होगे, वो अंदर हैं। शुक्रिया। देखो अजीज, मैं ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन ये पैर का ऑर्डर था, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वो हर तरफ से हमला करता है। वो शहर में मसाइल पैदा करना चाहता है। जब हाथी की आज़ादी को नेशनल सोसाइटी में डिस्कस किया जाएगा तो वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उनकी गैर मौजूदगी में शहर में कितने मसाइल पैदा होंगे। वो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता है। देखो अजीज, ये नामुमकिन बात है, क्योंकि हम उस दुनिया में रहते हैं जिसमें प्यार के नहीं खुदा के ऑर्डर्स चलते हैं, और हम सारे भाई बनकर इस दुनिया में रहते हैं। हमें अलग करना इतना आसान नहीं है अजीज। जब तक इस दुनिया में तुम जैसे लोग हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं अजीज, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जाई, आप हमें साथ ले जाएंगे? ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। फिक्र मत करो, ठीक है? अगर बाबा जिंदा होते तो हमें यहाँ कोई नहीं ला सकता था। उदास मत हो, तुम यहाँ हमेशा नहीं रहोगे और ना ही तुम यतीम खाने जाओगे। मिस्टर प्रीस ने हमें दुआ करने का बोला है। मिस्टर प्रीस अच्छे इंसान हैं, उन पर भरोसा करना, ठीक है? क्या हम यहीं रहेंगे? फिक्र मत करो, तुम यहाँ ज्यादा अरसे नहीं रहोगे। हम कब जाएंगे? जल्द से जल्द इफ्नान से शादी करके। मैं तुम लोगों से फिर से मिलने आऊंगा। तुम्हारे बाबा यहाँ हैं, तुम्हारे साथ। कभी मत भूलना। हेलो इफ्नान, मैं आपसे बात करने आ रहा था। इत्तेफाकन आप रास्ते में ही मिल गए। आप मुझसे क्या चाहते हैं आखिर? क्या आपको उस गिफ्ट के बारे में याद है जो मैंने आपको दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं है। सुनो इफ्नान, मैं तुमसे खुल के बात करूंगा क्योंकि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो। आपके लिए बेहतर होगा कि मेरे पूछे गए सवालों का जवाब दें। अगर मैं ये सवालात अजीज पायदार से पूछूंगा तो नतीजे बहुत खौफनाक होंगे। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिस रात मेरे बेटे का कत्ल हुआ, वो लेस उसके हाथ में थी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। कुछ याद आया? लिहाजा मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं। अगर समझो तो बेहतर होगा। इफनान, कल मिलते हैं। इफनान, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, बाहर ताजा हवा खाने आई थी। मैं ये पैसे एक जॉइंट अकाउंट में रखवाना चाहती हूँ जो मेरे और दिलरुबा पायदार के नाम से होगा। ठीक है। मुझे हैरत है कि आपने मुझे बुलवाया मिस्टर पियर, जबकि आप दोनों के मामलात बेहतर नहीं हैं। मैं और मिस्टर गालिब अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे, हमारे रास्ते अब जुदा हो गए हैं। लेकिन ये कोई आम दुश्मनी नहीं है। मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप इत्मीनान रखिए। चलें, मैं आपको मसला बताता हूँ। इसका ताल्लुक अजीज की प्रॉपर्टी से है। मुझे अंदाजा है। हाँ, मेरी शादी का तोहफा। मैंने मिस्टर गालिब से कहा कि ऐसा ना करें। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कुछ वक्त गुजरने के बाद मिस्टर गालिब माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। वो आपसे मदद मांगेंगे, मगर आप मदद नहीं करेंगी। मिस्टर पियर, इन हालात में मैं गालिब साहब को ना नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि आप कर लेंगी, क्योंकि आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। मैं समझी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जल्द अज जल्द सारा पैसा अपनी बेटी के अकाउंट में जमा करवा दें। मिस्टर पेयर, आप दिलरुबा और अजीज के बारे में जानते तो हैं ना? अगर मेरी बेटी को इस बारे में मालूम हुआ तो वो अपनी सारी जायदाद अजीज को दे देगी। तो आप यकीनी बनाएं कि ऐसा ना हो। आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर डेलीगेट और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। उनसे जाके कहें मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। देखो, लोग देख रहे हैं, इस तरह मत करो, मेरी बेइज्जती हो रही है। आइए सर। मैंने आपसे कहा ना, हम पुराने दोस्त हैं। मिस्टर पियर चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना सिपाही आपको बाहर फेंक देंगे। जाके उनसे कहें कि मुझे जरूरी बात करनी है अभी। वो जानते हैं कि आप क्यों आए हैं यहाँ, लेकिन वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। अब से वो चाहते हैं कि आप उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखें किसी भी मामले में, समझ गए आप? और आपकी जो भी सेल अंताकिया में है वो सारी की सारी जब्त हो चुकी है। और अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। आप तो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, तो बॉर्डर के बाहर सामान कैसे बेचने देंगे? मिस्टर गालिब, हमारे पास एक और ऑफर है। हम आपका सारा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन मिस्टर पियर ने कहा है उन्हें आपके सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मुझे अपना सामान नहीं बेचना तो फिर मैं तैयार क्यों करूंगा उसे? ये मेरा कारोबार है, रोजी रोटी है ये मेरी। दिलरुबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, आजम को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है उसे? अजीज और मेरे बारे में। तो फिर उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? उसने कुछ भी नहीं कहा, ना ही कोई रिएक्शन दिया। दिलरुबा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम आजम को नहीं छोड़ोगी, समझी? मॉम, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गालिब का बुरा वक्त है, वो बैंकरप्ट हो गया है। अजीज और आजम दोनों साथ साथ हैं, वो जल्दी तरक्की करके आगे बढ़ेंगे। संभालो खुद को, अपने शोहर का ख्याल रखो, वो जल्दी पैसे कमाएगा। समझ गई तुम? मुझे आपसे बात करनी है। किस बारे में अजीज? सब कुछ तो तबाह कर दिया, मेरा कारोबार, मेरी ताकत। अब क्या बात करें? इसी बारे में बात करनी है, बिडिंग के लिए बुने जाने वाले कालीन। उनका क्या? वक्त पर तैयार नहीं होंगे। बोली के दौरान जब मैंने समझाया तो तुम हंस रहे थे, अब क्या हुआ? मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? आपने नए फैसले के बारे में तो सुना होगा, अब हम कालीन नहीं बेच सकते। पेयर ने हम दोनों को खत्म करने के लिए ये किया है। हमारे अलावा किसी और के पास वर्कशॉप नहीं है। पता है, असल बात पे आओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको भी किसी को कालीन नहीं बेचने देगा। शुक्रिया। आप इस वर्कशॉप में मेरे लिए कालीन बनाएं और मैं आपको बिडिंग से हिस्सा दूंगा। पहले तुम मुझे गिराओगे, फिर उसके बाद मुझे उठाने में मदद करोगे। तुम क्या साबित करना चाहते हो? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ तिजारत है। मैं आपको एक अच्छा तिजारती एग्रीमेंट पेश कर रहा हूं। अगर हम दोनों वर्कशॉप में कालीन बनाएंगे तो हम दोनों को फायदा होगा। मेरा नाम गालिब पायदार है। आज अगर हार गया, कल खड़ा हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा और उस दिन मुझे तुम्हारे साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना मर जाऊं। ठीक है अंकल। आजम, तुम्हें देखकर यहां हैरत हुई। यहां आओ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस थका हुआ हूं। तो तुम मसरूफ हो गए हो। Je me dis, Tant que tourneront les ailes en rond du moulin de la galette. क्या तुम्हें ये पसंद है? पागल मत बनो कहना। तुम जानते हो ये यहाँ नहीं आई, पेरिस से। मैडम आलिना। Je regarde vers la butte tant que tourneront les ailes en rond du moulin de la galette. Quand dans le faubourg les yeux pleins d'amour sur moi tu posais la tête. Quels sont jolis brillant dans la nuit les ailes du paradis. मैं डर गई। देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा आ गया है इसलिए बुला रही थी। मेरा शादी का जोड़ा। इफनान क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या तुम खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश हूँ मैं। ना खुश कैसे हो सकती हूँ? चलो खोलो इसे। अई कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है। आज सुबह के वक्त तो तुम काफी रूठ थे लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा। आज हमारे इस बुरे दिन में मिलना क्या इत्तेफाक था। अगर हर बुरा दिन ऐसे ही आना है तो कितना हसीन और दिलकश इत्तेफाक हो गए हैं। तुम जानते हो कि एक औरत की इज्जत किस तरह की जाती है। शुक्रिया। आजम, एक्सक्यूज मी। बोलो अजीज। तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है। तुम देर से जाओगे तो वो परेशान होगी। मेरी शादी के लिए तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? तुम इस वक्त नशे में हो। मेरे पास एक जरूरी काम है, वो कर लूं फिर साथ चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा घर। मिस मकसूदे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी खबर होगी। जी बिल्कुल, कल मैं आपके बच्चों से मुलाकात करवाऊंगा। अगर आपको ठीक लगे तो कल हम दोपहर में चलेंगे। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर केनान, आपने मुझे खुश कर दिया है। ऐसा मत कहें, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या आप बस यही बताने आए थे मुझे? दरअसल मैं गालिब साहब से भी बात करना चाहता था, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? मकसूदे, कौन आया है? गुड इवनिंग गालिब साहब। हाँ गुड इवनिंग। आपके पास वक्त है तो कुछ बात करनी है? हाँ क्यों नहीं। मकसूदे तुम अंदर जाओ। फिर मिलते हैं। जी ज़रूर मिस मकसूदे। हाँ तो केनान कहो, क्या बात करनी है? मैंने पियर के नए कानून के बारे में सुना है, मुझे अफसोस है और ये आपके लिए मुश्किल वक्त आ सकता है। खैर वो तो कानून है। अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी गालिब साहब। फ्रेंच लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं और मैं जानता हूँ इस पेशकश की वजह मेरी बेटी मकसूदे है। आपने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता के नाम। समझ गया, मैं ये बात जानता हूँ। अब आज़म की वजह से परेशान है। कम से कम मैं एक बेटे की कमी तो पूरी कर सकता हूँ। हम बाप और बेटे की तरह कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे ताकि आप दोबारा खड़े हो सकें। मेरा बेटा अभी जिंदा है, जानता हूँ उसने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे तकलीफ दी है, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं। इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन इस वक्त हमें अपनी फैमिली में कोई नया शख्स नहीं चाहिए। समझ गया, अब मैं चलता हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। गुड नाइट। मकसूदे बताओ मेरी बेटी, केनान यहाँ क्यों आया था? क्या तुम्हारे बारे में कोई बात हुई है? मकसूदे का केनान से क्या ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है? तौबा तौबा, शायद इन दोनों की आपस की कोई बात हो। तुम क्यों दखल अंदाजी कर रही हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये क्यों बोल रही है। अपने काम से काम रखो। मकसूदे और मुस्तफ़ा तो भागने की कोशिश कर रहे थे। मकसूदे का किसी से क्या ताल्लुक हो सकता है और केनान से तो बिल्कुल भी नहीं। कितना मुश्किल है ना तुम जैसी औरत के साथ एक ही घर में रहना। खुदा मुझे सब्र दे बस। इफनान, उन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ है? दिलरुबा मैडम एक अल्फाज तक नहीं बोल रही। जब मैं उनके कमरे की तरफ गई तो वो उन्हें बहुत जोर से धक्का दे रहे थे। मैं उन लोगों को इस तरह से देख के डर सी गई थी कि पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, पर कुछ तो जरूर हुआ है। आजम भी अभी तक नहीं आया। कल रात यहाँ बहुत कुछ हुआ है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ पर तुम मेरी सुन ही नहीं रही। इफनान, क्या तुम मुझे सुन रही हो? इफनान, मैं कब से तुमसे बातें किए जा रही हूँ पर तुम सुन नहीं रही। क्या कहना चाहती हैं आप? कल रात मैं दिलरुबा के कमरे में गई थी, पता है मैंने क्या देखा वहाँ? गुड इवनिंग। खुशामदीद साहब। इफनान खुशामदीद। तुम्हारा शादी का ड्रेस आ गया? जी हाँ, बहुत प्यारी लगेंगी इफनान दुल्हन बनकर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम एक बार पहन के दिखाओ ना। अभी नहीं पहन रही। तुम्हें तो इंतजार था। अगर आप कह रहे हैं तो फिर मैं पहन लेती हूँ। चलो। अजीज साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। वो हार जो आपने इफ्नान के लिए लिया था। इफ्नान के लिए? जी इफ्नान के लिए। अजीमा तुम क्या कह रही हो, मैंने इफ्नान के लिए कोई हार नहीं लिया। आप लाए थे और वो हार मैंने दिलरुबा मैडम के रूम में देखा है। तुम क्यों इस मसले में पड़ रही हो जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। मैंने ये दिलरुबा के लिए नहीं खरीदा था, उन्होंने बेच दिया था, मैंने आजम को वापस दिया। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। क्या किया तुमने अजीमा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। शब बखैर, आजम नहीं आया अजीज? वो केनान के साथ था, जल्दी ही आ जाएगा। उसने मुझे कहा था कि वो देर नहीं करेगा। हाय इफ्नान, बिल्कुल शहजादी लग रही हो तुम, सच में। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इफ्नान। शुक्रिया, मैं कमरे में जा रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, इस घर में रहने वाली मलका लग रही हो। तुम्हें खूबसूरत दुल्हन हो, लेकिन ये आंसू क्यों? अपनी शादी पर इतना खूबसूरत जोड़ा पहनूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें जल्द शादी करनी होगी। हम जरूर शादी करेंगे। तुम जानती हो, हमने मुस्तफा की मौत की वजह से इस शादी को पोस्टपोन किया था। अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बच्चों को वापस लाना होगा। मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं, मुझे घर जाना है। तुम रो नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? डरो नहीं, अजीज भाई हमको बचाने आ जाएंगे। मुझे बाबा के पास जाना है। सब्र रखो मेरे भाई, अजीज भाई जल्द ही हमें यहाँ से ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम घर जाकर आराम करेंगे। अजीज भाई तो आ जाते हैं, लेकिन बाबा नहीं आते। बाबा बहुत याद आ रहे हैं। तुम रो नहीं उमर, ये देखो ये रहे बाबा। तुम्हें याद है जब मैं जेल में था तो तुम लोग आए थे मुझसे मिलने? डरो मत बेटा, हम लोग यहीं हैं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें अंधेरे में छोड़ सकते हैं? बाबा हमें कभी नहीं छोड़ सकते, बाबा यहीं पर हैं, हमारे साथ। इफ़नान, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या मसला है? आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? बस ऐसे ही। मेरी बात नहीं सुने सो जाइए। कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो, यहीं सो जाओ। तुम्हारी आंखों का खौफ मुझे अच्छा लगता है। अगर अजीज मेरे लिए मुश्किलात पैदा करता है तो मैं उसकी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। हमें एक छोटा सा गेम खेलना होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने शराब पी है? तुमने कहा था कि तुम किनान से मिलोगे, लेकिन अब सुबह होने वाली है। आजम, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना परेशान थी। तुम अब तक थे कहां पर? क्या है तुम्हारे साथ, आखिर मसला क्या है दिलरुबा? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्यों कर रही हो फिक्र मेरी? क्यों कर रही हो मेरा इतना ख्याल? पहले क्यों नहीं किया ये सब कुछ? मैं तुमसे पूछता हूँ क्या कुछ? जब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा दिलरुबा, तो तुम क्यों पूछ रही हो? जवाब दो मुझे। आजम, तुम्हें अब इन बातों से क्यों फर्क पड़ रहा है? ये सब पुरानी बातें हैं जो तुम जानते हो। तुम जानते हो, तुम हर चीज जानते हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। मैं अजीज से मोहब्बत करती थी, तुमसे नहीं। मैंने तुम्हें गोली मारी, मतलब गोली मार दी, फिर भी तुमने अपना दिमाग नहीं बदला और उसके बावजूद तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मजबूरी में करनी पड़ी शादी। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, लेकिन अब भी मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। आजम, बहुत मोहब्बत करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। और तुम अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तुम्हारा ये हक नहीं है, समझे? नहीं है हक। प्यारी प्रिंसेस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। कल हम आपके ब्रिटिश दोस्तों के लिए 19 कालीन भेजेंगे। इन कालीन को लंदन पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा। ये वही कालीन हैं जो आपने पसंद किए थे। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अजीज पायदार, तुम ये कालीन कैसे भिजवाओगे? सरहद पार नहीं जा सकते। हम सरहद पार नहीं जाएंगे। मैं कालीन को वर्कशॉप से अदना भेजूंगा। इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। वो कस्टम से नहीं गुजरेंगे। ज़ैनब दुल्हन बनकर अदना जा रही है, मैं उन्हें उसके जहेज में भेजूंगा। तुम्हें लगता है ये पियर नहीं समझ पाएगा? वो समझ जाएगा, इसलिए एक और टेलीग्राम भेजें। कहाँ? अंकारा। गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, आपको अंदाजा है? मैं सुबह सुबह ये सब बातें नहीं सुनना चाहती। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो? हम तबाह हो रहे हैं, हम लोग अपनी हर चीज खो रहे हैं। गालिब साहब, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। बहुत हो गया। अजीज की सारी चीजों को तुम अभी फौरन वापस करोगी? ये नामुमकिन है। क्या मतलब नामुमकिन है? मैंने उन चीजों को सिर्फ अमानत के तौर पे दिया था। नामुमकिन है, वो आपने मुझे शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। किसी भी तरह से, चाहे हम मियाँ बीवी हों, भले ही ये शादी का तोहफा क्यों ना हो, तुम्हें वापस करना होगा। हम तबाह हो रहे हैं, समझ नहीं आता तुम्हें, हम डूब रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये सब नामुमकिन है। इसकी वजह? क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है। क्या? क्या मतलब मेरे पास नहीं? मिस खानदान, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं। नहीं गालिब साहब, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने दिलरुबा के हवाले कर दी हैं। आप मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो चीजें मेरी थी। आपने मुझसे खेल खेला है। आपने ही मुझे ये खेल सिखाया था गालिब साहब, याद है? आप अजीज को ये सब नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो चीजें आपने मुझे दी। देखें गालिब साहब, मेरे ख्याल से आपने आजम को डिसोन कर दिया है, लेकिन दिलरुबा मेरी बेटी है, वो आपके खानदानी झगड़ों में कुर्बान नहीं होगी, ना वो ना मैं। नूरी, सारे कालीन तैयार कर लो, हम इन कालीनों को कल ब्रिटिश भेजेंगे। आप फिक्र मत करें अजीज साहब, सब तैयार हो जाएगा। इसे बेच तो देंगे हम, लेकिन पिछली मर्तबा की तरह ना हो, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अजीज साहब फिक्र मत कीजिए, इस बार हम यहीं से कालीनों को वर्कशॉप के बाहर ले जाएंगे। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं अजीज साहब? मैंने सब सोच लिया है, हम ढोल के साथ इसे भेजेंगे। लेकिन सिर्फ यही काम बाकी नहीं है, 47 कालीन अब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं, सलामत रहो। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो मेहमान, चलो।